वेटिंग है, जल्दी आ जाओ। क्या कहा, इमरजेंसी है? आ गए तुम सब। मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे ये करना चाहिए या नहीं, उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। ये क्या है? सब कुछ तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। देखो देखो। हाँ समझ गया। शाबाश परमैन, आपने बहुत दिनों के बाद अपने दांत साफ किए हैं ना? नहीं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है परमैन? आप ही हमें हिंट दे रहे हैं। अब खुद ही बता दीजिए ना। डिस्क देखो, डिस्क देखो, डिस्क देखो। डिस्क? क्या ये नॉर्मल डिस्क नहीं है बर्डमैन? तुम निकम्मे हो, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये चमक रही है, ये एकदम नई है। ये क्या बात हुई, आपने ऐसी बोरिंग चीज दिखाने के लिए हमें बुलाया है? आपकी नई डिस्क बहुत अच्छी है। हाँ, सच में अच्छी है। जानता हूँ ये लाजवाब है। मैंने अभी अभी खरीदी है, नई है, एकदम नई। ओके, अब मैंने आपको दिखा दिया है, ग्रेट, हम बाद में मिलेंगे, चलो। तुमने मेरा मुंह बंद क्यों किया पाको? तुम बर्डमैन की फीलिंग को समझ नहीं रहे हो। ये नई डिस्क बर्डमैन के लिए उनका खजाना है, क्यों नहीं समझते? ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है, समझे तुम? हम सबके पास एक अपनी खास चीज होती है। पाको सही कह रही है, तुम्हारा परमैन सेट भी तो तुम्हारे लिए स्पेशल है ना परमैन? अब समझ में आया। और भी एक खास चीज है। वो क्या है? सीक्रेट। हम सब ने अपनी खास बात बता दी, तुम अपनी सीक्रेट नहीं रख सकती, समझी? मैं लड़की हूँ और मेरे सीक्रेट है। ओ, ये तो मैं जानता ही नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ ना क्या है वो। तुम दोनों अब बस भी करो, लड़ते रहते हो। ओहो, इतना रूड लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए थी। तुम क्या कहना चाहती हो? देखो पाको, मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है। आइडिया? मुझे पता लगा नहीं होगा पाको का सीक्रेट यानी उसका खजाना क्या है, पर तुम मुझे जानने के लिए इतने बेताब क्यों हो? अरे उसने मुझसे झगड़ा किया था तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। ठीक है। अरे ये क्या चीज है? कोई इसे यहाँ रख कर चला गया होगा। हाँ, अरे इसमें तो खत भी है। लाओ मुझे देखने दो। अरे ये तो पाको का लिखा है, देखो तो सही क्या लिखा है। आज के लिए सॉरी, इस बॉक्स में वो चीज रखी है जो मेरे लिए सबसे स्पेशल है, इसे देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा वो स्पेशल चीज क्या है। तो शुभकामनाएं देरी क्यों, चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं। हे, ये गलत बात है, ये सिर्फ मेरे देखने के लिए है। अरे लाओ इसे, मुझे देखने दो ना। अरे मैं मतलब तुम ही हो, तुम मतलब मैं। अरे अरे नहीं, इसमें तो मिरर था, वो तो दिख रहा है, मगर किस लिए था? देखो ये तो टूट गया, यही चीज थी जो पाको के लिए बहुत स्पेशल थी, समझे? उसे कहना मत कि ये टूट गया, नहीं तो। नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? ओहो, मेरा खजाना टूट गया। रोबोट तुम ही बताओ ना उसे। नहीं नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। ओ बूबी, तुम हो, मैं तो खामखा डर गया। बोलो क्या बात है? ओके समझ गया, मैं आ रहा हूँ। पाको को मत बताना कि मैं आने वाला हूँ, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे अगर मेरा यहाँ का काम जल्दी खत्म हो गया तो मुझे पाको का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। बूबी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कार्स को मेरी ओर फेंकना शुरू करो। ओके, तो ये आखिरी वाली है ना? परमैन! अरे बाप रे, वो आ गए। बूबी मैं तो चला, बाकी तुम संभाल लेना। भैया, आखिर परमैन गया कहाँ?
वो मुझे यह कभी नहीं ढूंढ पाएगी। जल्दी काम था। मैं जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। ओ परमान, तुम कितने शर्मीले हो, कितने क्यूट हो। एक मिरर भी कोई खास चीज हो सकती है भला, और ऐसा मिरर कहीं मिलता नहीं है क्या? हे परमान, क्या तुमने वो खास चीज देखी? आप जिसे संपर्क कर रहे हैं वो नंबर इस वक्त उपलब्ध नहीं है। सच में वो बहुत ही शर्मीला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर मिरर के जरिए मैंने उसे कह दिया कि वो मेरे लिए कितना स्पेशल है। ओहो। परमान, तुम बहुत अच्छे हो। चलो पायन, जल्दी से शिप को पोर्ट तक ले चलते हैं। आज मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इस काम के लिए 4 लोग चाहिए। बात तो सोला ने सच कही, मगर कौन आएगा? अगर हम पाको से पूछे तो तुम भाग जाओगे, तो फिर तुम्हारा क्या फायदा? तो हम और किसे बुला सकते हैं? सॉरी, मैं लेट हो गई। तुम दोनों शिप को संभालो, मैं बाद में मदद के लिए आऊंगा। चलता हूँ। मगर लेकिन वो चला गया। अजीब बात है, जब भी मैं आती हूँ वो भाग जाता है। पायन, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, इन दोनों से निपटना मुश्किल है। चलो उठाते हैं इसे अब। क्या का उठाओ उठाओ। या तो मुझे छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही है, अब क्या करूं? क्या हुआ, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? अब तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे माफ कर दो। बोलो। दरअसल तुम्हारी वो स्पेशल चीज, तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा स्पेशल, वो मिरर। क्या तुमने देखा वो? मैंने वो तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गलती कर दी। अब क्या हुआ, मैंने एक अच्छे इंसान की तरह माफी तो मांग ली है ना, क्या तुम मुझे उसके लिए माफ नहीं कर सकती प्लीज? तो फिर तो क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? तुम समझ नहीं रहे हो परमान। मैं सब समझ रहा हूँ, मैंने तुम्हारा स्पेशल मिरर तोड़ दिया। वो मिरर की बात नहीं है। तो मेरी स्पेशल चीज वो मिरर नहीं है, मगर उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुम मिरर में देखोगे तो क्या रिफ्लेक्ट होगा बताओ? अगर मैं मिरर में देखूंगा तो वही मेरे लिए सबसे स्पेशल है। ये क्या कहना चाहती है? अगर मैं मिरर में ऐसे देखूंगा तो मैं तो मुझे तो मिरर में खुद ही नजर आऊंगा। इसका मतलब है तुम कहना चाहती हो कि वो मैं हूँ? नहीं पता। अरे तो सीधे सीधे कह देती, इतने बहाने क्यों बना रही थी? कितने बुद्धू हो तुम। रुको, पाको, मैं समझ गया कि तुम्हारी स्पेशल चीज मैं हूँ। तुम बहुत इरिटेटिंग हो, जाओ यहाँ से। इरिटेटिंग तो हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए तो स्पेशल ही हूँ, है ना? तो मुझे तो हमेशा तुम्हें इरिटेट करना अच्छा ही लगेगा। बहुत इरिटेटिंग हो तुम। हाँ ठीक है, मैं इरिटेटिंग हूँ तो हूँ। तुम बहुत पकाते हो मुझे। हाँ तो तुम क्या कम पकाती हो? ठीक है, तुम भी पकाओ ही हो। तुम पकाती हो। तुम पकाती हो। चुप कर।